पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाली निलंबित बीजेपी की प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर लताड़ा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत ने नूपुर के बयानों को भड़काने वाला बताया और पूरे देश से टीवी पर आकर माफी मांगने की सलाह दी। इतना ही नहीं, उन्होंने देश में बिगड़ते हालात के लिए सिर्फ नूपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सेट ऑन कंट्री फायर। इन सब के बीच आइए हम आपको बताते हैं कि जस्टिस सूर्यकांत कौन है। जस्टिस सूर्यकांत हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय कॉलेजियम की सिफारिश पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। न्यायाधीश सूर्यकांत ने 5 अक्टूबर 2018 को हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभाला था। जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार जिले में हुआ। जस्टिस सूर्यकांत की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। 1984 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की। 1984 में ही इन्होंने जिला जज हिसार में वकालत शुरू कर दी और वर्ष 1985 में चंडीगढ़ में वकालत शुरू की। जस्टिस सूर्यकांत को संविधान, सेवा संबंधी मामले और सिविल मामलों में महारत हासिल है। 7 जुलाई सन 2000 को जस्टिस सूर्यकांत हरियाणा के महाधिवक्ता नियुक्त किए गए। मार्च 2001 में वरिष्ठ महाधिवक्ता बने। 9 जनवरी 2004 को इन्हें पंजाब एवं हरियाणा का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। साधारण किसान परिवार से ताल्लुकात रखने वाले जस्टिस सूर्यकांत का परिवार किसानी से जुड़ा हुआ है। इसका जिक्र भी एक सुनवाई के दौरान उन्होंने किया था। 27 जून को चोरी के एक मामले में सुनवाई के दौरान उन्होंने अपनी कृषि भूमि में चोरी का एक व्यक्तिगत अनुभव साझा किया। अपीलकर्ता के वकील ने छोटे अपराध होने का दावा करते हुए अग्रिम जमानत की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जब उनकी जमीन का केयरटेकर शिकायत दर्ज कराने थाने में गया तो थाना प्रभारी ने टिप्पणी की थी कि कुछ दिन पहले ही कोर्ट ने चोर को जमानत दे दी है।